ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने शहर के बीच नकली नोट बनाने का कारखाना पकड़ा है। किराए पर मकान लेकर नकली नोट की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर नकली नोट छापने और खपाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली थी। दो संदिग्ध युवक नकली नोट बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंसार अली और अशोक माहौर के रूप में हुई है। दोनों भिंड जिले के रहने वाले हैं। जागृति नगर में किराए पर मकान लेकर नकली नोट की फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस को छापे में 50 से लेकर 500 रुपए तक के नकली नोट बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी अभी तक लाखों रुपए के नकली नोट बनाकर बाजार में खपा चुके हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर, कलर, स्याही और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा एक फेक करेंसी नोट छापने वाला गैंग का दो लोगों को हिरासत में लिया है। इनके ऊपर FIR दर्ज किया है। एक कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर रमाकांत उपाध्याय और उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि ऐसे गैंग शहर में ऑपरेट कर रहे हैं। वो इनपुट के इनके द्वारा डेवलप किया और ये लोग पहुँच गया जनकगंज थाना क्षेत्र के जागृति नगर पे। वहाँ पे एक रेंट पे रूम लेके कुछ लोग प्रिंटर द्वारा बटर पेपर इंक वगैरह यूज़ करके नकली नोट छाप रहे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बात क्लियर हो गया। तो रेकी किया, फिर इन लोगों ने रविवार देर रात वहाँ पे रेड किया और दो लोग वहाँ पे गिरफ्तार हो गया और उनके पोजीशन से ये 50, 100, 200 और 500 की कुल 2 लाख के ऊपर की रकम वैल्यू की नकली नोट उनकी पोजीशन से मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।